आज हम चौका है मैंने बना रहे हैं बहुत ही फटाफट से बन जाने वाला सुपर टेस्टी नाश्ता। चाहे आप ब्रेकफास्ट में लीजिए या शाम को चाय के साथ लीजिए, यह नाश्ता जब आप बनाएंगे सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सुपर टेस्टी सैंडविच, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐसे यूज़ करी हैं जिससे ये स्पेशल सैंडविच बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौका हेवन। फ्रेंड्स, आज के सैंडविच के साथ में मैं आपको सिर्फ सैंडविच ही नहीं, साथ ही साथ दो तरह के बहुत ही मज़ेदार सॉस बनाना बताऊंगी, और इन सॉस के साथ में सैंडविच का स्वाद एकदम लाजवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है वेज मेयोनीज, उसको मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास में मेयोनीज नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप ग्रीन चटनी भी घर की बनी हुई लगा सकते हैं, या फिर आप टोमेटो सॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बैड में मैंने सैंडविच स्प्रेड लिया है। फ्रेंड्स, आज की यह सैंडविच आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यह सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग को भी तैयार करते हैं। वो स्टफिंग मैंने कैसे तैयार करी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्टफिंग है बहुत सिंपल, लेकिन कुछ खास तरीके से बनी है जिससे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने लिए थे उबले हुए आलू जिन्हें मैंने मैश कर लिया था। इन मैश किए हुए आलू में मैंने मिलाया है हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइएगा, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिलाइएगा। फिर मैंने मिलाया इसमें काला नमक, स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। फ्रेंड्स, आलू को मैंने टोटली मैश नहीं किया है, मैंने उसके थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े किए हैं, इस तरीके से मैश किया है। इसके बाद मैं रख रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, आप चाहें तो गोल प्याज कट करके भी रख सकते हैं। सैंडविच का टेस्ट और बढ़ जाए उसके लिए मैंने डाला है बारीक कटा हुआ टमाटर। दोस्तों, जो स्ट्रीट फूड के लिए या स्ट्रीट स्टॉल में जो आपको सैंडविच मिलती है सेम इसी प्रोसेस से तैयार करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, लेकिन आपको लगता है ऐसा क्या डाला गया जिससे स्वाद इसका इतना अच्छा है। ये देखिए, ये वही चीज़ है, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, आप इसे स्प्रिंकल कीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में पहले भी सैंडविच की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन उसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया था। आप वो वाली रेसिपी भी सैंडविच के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे भी बनाइएगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है। चाट मसाला और मैगी मसाला स्प्रिंकल करने के बाद में मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऊपर से डाली है, और मैंने डाला है कटा हुआ हरा धनिया। अब मैंने जिसमें मेयोनीज लगाई थी वो वाली ब्रेड को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और हल्का सा प्रेस कर देती हूँ। तो चलिए अब सैंडविच को सेकना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तवा लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, बटर को मेल्ट होने देते हैं और सिर्फ बीच में ही सर्कल में फैलाएंगे, पूरे तवे पर नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हमें सैंडविच बीच में ही सेकना है, पूरे में फैलाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, बेकार जाएगा। मैं बटर में सैंडविच को सेक रही हूँ, आप चाहे तो घी का यूज़ भी कर सकती हैं या ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप जो भी तेल इस्तेमाल करना चाहें उस पर आप सेक सकती हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने डाला है इसमें इसका टॉप सीक्रेट, तिल के दाने, मैंने सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं। दोस्तों, मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप एक बार इस तरह से सैंडविच जरूर बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, ये सैंडविच बनाने का स्टाइल पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी भी इस सैंडविच को एंजॉय करें, तो उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक साइड से सैंडविच अच्छे से सेक चुका है, अब दूसरी ओर भी हम इसे सेक लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। पूरी ब्रेड में बटर को स्प्रेड कर दीजिए, इसके बाद दोबारा से फिर से वही प्रोसेस करेंगे जैसे पहले किया था, थोड़े से तिल के दाने डालेंगे। ये रेसिपी लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, लंच वो ले जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें टिफ़िन में रखा हुआ खाना पसंद ही नहीं आता, लेकिन अगर आप इस तरह से सैंडविच बना के उनके टिफ़िन में रखेंगी, टिफ़िन भी बच्चों का खाली ही आएगा, चट करके खा जाएंगे। दोस्तों, एक और ख़ास बात, आप इस सैंडविच को एकदम क्रिस्पी सेकिए,
जितना क्रिस्पी सैंडविच होगा उतना ही मज़ेदार होगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी। फ्रेंड्स, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको कई सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे लिंक पर क्लिक करके आप उन रेसिपीज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो दूसरी सैंडविच बनाई है उसकी रेसिपी का लिंक भी मैं उसमें शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दोबारा से दे दूंगी, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब भी आप बनाना चाहें फटाफट से चेक कीजिए और बना लीजिए। फ्रेंड्स, सैंडविच तो बन के तैयार हो गए, लेकिन अभी प्लेटिंग भी तो बाकी है। आप खाना चाहे जितना अच्छा बनाएं, कोई भी रेसिपी कितनी भी स्वादिष्ट बनाए, लेकिन अगर आपने प्लेटिंग अच्छी कर दी तो उसका स्वाद दुगनानी चौगना हो जाता है, स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी रेसिपी बनाए उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कीजिए, घर वालों को बहुत पसंद आएगा, वो बहुत मन से खाएंगे, बहुत प्यार से खाएंगे, साथ ही साथ आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे। और तारीफ सुनना किसे नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ होती है। मैंने आपको सैंडविच के साथ खाने के लिए सॉस के बारे में ही बताया था, चलिए उसे भी देखते हैं कैसे बनाया है। मैंने लिया था इमली, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। उसे मैंने मैश कर लिया, उसका पानी निकाल लिया। फिर मैंने डाला है सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, चीनी, गुड़, हरा धनिया और मिर्च। बस इन्हीं सिंपल से मसालों के साथ में चटनी बन के तैयार है। दोस्तों, दूसरी चटनी के लिए आपको मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, उसमें लिंक है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वो रेसिपी भी मिल जाएगी। अब मैं जाती हूँ आपके लिए फिर से एक नई टेस्टी सी रेसिपी बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।